हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट इन राइस। अभी हम जैसे हम मैं अभी रिसेंटली कुछ वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ एडुकेशन पर्पस के हिसाब से। तो ऑफ लेट हमारा जो लास्ट वीडियो आया था कर्नाटका बैंक पे, तो उसमें लगातार पिछले 2 दिनों में 10-10% की तेज़ी रही है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं उसका कार्ड डाल दूंगा, आप एक बार ज़रूर देखना। और आज हम एक वैसी एक बढ़िया कंपनी हम लोग सिलेक्ट करके लाए हैं। तो आपने थंबनेल में देखा होगा 3400 to 5000। तो ये कंपनी और कोई नहीं, ये एशियन पेंट्स जो पॉपुलर कंपनी है, पेंट वाली कंपनी, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो काफ़ी पोटेंशियल लगता है मुझे इस लेवल्स पे, जिस लेवल पे अभी ये है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसकी प्राइस को अपवर्ड की तरफ मूव कर सकती है, मुझे ऐसा पोटेंशियल इसमें खास लग रहा है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो एशियन पेंट्स के बारे में जनरली सभी जानते ही हैं, काफ़ी पॉपुलर कंपनी है, इंडिया की लीडिंग पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इसमें आप देखो, काफ़ी इन्होंने नया सेगमेंट्स में भी मतलब अपना फुटफॉल बढ़ाया है। जैसे पेंट्स में तो है ही है, एक्सटीरियर टेक्सचर्स, वॉलपेपर्स, इंटीरियर एक्सटीरियर पेंट्स, वुड पेंट्स, जो भी जनरली जो पेंट बोलते हैं, तो अपने सारे इनके पोर्टफोलियो में सारे सारे के सारे इस तरह के पेंट वगैरह, एडिसिव्स वगैरह भी अभी आ गई है कंपनी। तो ये तो है ही है, वाटर प्रूफिंग में है ही है इसमें। और होम डेकोर में भी इन लोगों ने ऑफ लेट ये किया, फोरे किया है, जिसमें फर्नीचर, सोफ़ाज, डाइनिंग फर्नीचर, चेयर्स, ब्रेड, रिक्लाइनर्स, काफ़ी प्रोडक्ट्स इन्होंने। और डेकोर में जैसे वॉलपेपर्स, रग्स, फैब्रिक्स, लाइट्स, किचन एंड बाथरूम्स, मॉड्यूलर किचन्स में भी इन्होंने एक्वायर किया है स्लीक बोल के कंपनी को। और बाथरूम फिटिंग्स में है, और काफ़ी मतलब रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब काफ़ी ब्रॉड कैटेगरीज में डील कर रही है आज के डेट में। जैसे आपके पेंट तो जैसे है ही है, किचन्स में देखे मॉड्यूलर किचन्स वगैरह इस तरह की जो है, इन्होंने ऑलरेडी इसमें भी ये कर लिया है, एंट्री कर लिया है ऑलरेडी। और इसके अलावा आप समझ लो कि यहाँ पे जैसे बाथरूम फिटिंग्स में, जैसे बाथरूम फिटिंग्स में भी ऑलरेडी ये देखिए आप, इस तरह के क्लासिक प्रोडक्ट्स, काफ़ी यूनिक और बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी जानती है कि इस तरह का मार्केट है, और कैसा मार्केट को लेन किस तरह से मार्केट को लेना है, मार्केट शेयर कैसे खींचना है दूसरे प्लेयर से, कॉम्पिटिटर से। तो काफ़ी पॉपुलर है, सभी जानते ही हैं, और ज़्यादा कुछ इसमें बोलने का और समझाने का कुछ है नहीं, वेल नोन कंपनी इंडिया की। तो अब मैं इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ और मेरा क्या इसमें प्रॉस्पेक्ट मुझे नज़र आता है। मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ और मैं और कुछ शेयर्स ऑफलेट में ख़रीदने की प्लान कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं इसके फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। तो कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, मार्केट कैप 3,22,000 के पास है आज की डेट में। और स्टॉक 78 के पी पे ट्रेड कर रही है कंपनी। तो क्योंकि ये बहुत ही लार्ज कैप कंपनी और काफ़ी पोटेंशियल वाली कंपनी है, तो इसका पी हाई ऊपर ही रहता है इस तरह की कंपनियों का। आरओसी देखो तो 35% है, आरओई जो मैं हमेशा देखता हूँ कि 15 के ऊपर रहना चाहिए, तो 15 से ऑलमोस्ट डबल आरओई इसका है, तो बहुत ही अच्छा है। एक डेट कोई खास नहीं, 12%। थोड़ी कंपनी मतलब वैल्यूएशंस के हिसाब से थोड़ी एक्सपेंसिव लगती है, लेकिन इस तरह की कंपनी जो 27-28% आरओई पे ट्रेड करती है, तो ऑब्वियसली उसका मार्केट उसको हाई पी हमेशा देने के लिए रेडी रहता है, तो उस सेंस में ठीक है। और ये नीचे देखते हैं और इसमें क्या है समझने के लिए। तो कंपनी अपने सेक्टर की मार्केट लीडर है, और ऑब्वियसली जैसे मैंने डिस्कस किया, और 78 के पी पे ट्रेड कर रही है।
और इसकी जो सेकंड बड़ी कंपनी है वो इसके बाद में जो है तो बर्जर पेंट्स है, जो कि ओनली 65,000 क्रोर्स पे ट्रेड कर रही है। और इसका आप देखो मार्केट कैप कितना बड़ा है, मतलब बहुत दूर है सेकंड प्लेयर। कंपनी की और डिटेल्स अगर हम लोग देखें तो इट वॉज सेटअप इन 1942। एशियन पेंट्स ग्रुप इज द लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चर इन इंडिया, ऑल्सो एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वार्निशेस, एनिमल्स एनामल्स, लेकर्स, सरफेस प्रिपरेशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें। इट ऑपरेट्स इन 15 कंट्रीज एंड हैज़ 26 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन द वर्ल्ड, सर्विंग कंज्यूमर्स इन ओवर 60 कंट्रीज। तो काफ़ी काफ़ी बड़ी कंपनी है। और इसमें और हम लोग आगे पढ़े तो जैसे ये रेवेन्यू ब्रेकअप अगर समझे तो डेकोरेटिव कोटिंग्स में 83% जो मेजर शेयर रेवेन्यू इधर से आता है इनका। इंटरनेशनल ऑपरेशन से 12% करीबन आता है। और लीडरशिप देखो तो थर्ड लार्जेस्ट पेंट कंपनी इन एशिया एंड नाइन्थ लार्जेस्ट कोटिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। और 50+ ईयर्स का मार्केटशिप लीडरशिप है इंडिया में। तो मतलब बोलना ही क्या है, पेंट बिजनेस और एक किचन किचन बिजनेस में किचन बिजनेस में आप जैसे मैंने बताया स्लीक जो कंपनी है इनका FY 2013-14 में इन्होंने 51% स्टेक लिया था, फिर 17-18 में 49% स्टेक उन्होंने पूरा कवर कर लिया था। तो इट इज़ नाउ ए होली ओन्ड सब्सिडरी। और इस सेगमेंट का भी 15,000 करोड़ का मार्केट है इस किचन बिजनेस में, बाथ बिजनेस में भी है। तो कंपनी तो बहुत सॉलिड कंपनी है, कोई डाउट ही नहीं इसमें। आगे देखते हैं अपने इसके रिजल्ट्स। अगर देखें तो मार्च 2020 में 4,600 करोड़ की सेल थी, जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो गई है मार्च 2023 में। और नेट प्रॉफिट 480 करोड़ से 1,258 करोड़ तक आ गए। तो काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट है क्वार्टरली नंबर्स में। और ईयरली अगर देखें तो 9,231 करोड़ की सेल से 34,000 करोड़ की सेल आ गई है पिछले 2012 से लेके 2023 तक। तो ऑलमोस्ट ये आप मान के चलो 3-4 टाइम्स का इसमें सेल्स में जंप है। और नेट प्रॉफिट्स भी आप देखो तो 1,000 करोड़ के से 4,000 करोड़ में 4 टाइम्स प्रॉफिटेबिलिटी जंप है 2012 से लेके अभी तक 11-12 सालों में। और EPS भी देखो तो 10 रुपये से 42, मतलब ये भी 4 टाइम्स हो गई है। तो मेजर जो मैं फैक्टर्स देख रहा हूँ इसको कंपनी को सिलेक्शन में, मेन ये है कि ये 27, ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ये देखो आप 10 साल की 26, 27, 26, 28, तो ऑन एन एवरेज 26 कैगर मेंटेन कर रही है रिटर्न ऑन इक्विटी में। तो और फिर आप सेल्स भी देखो, सेल्स ग्रोथ भी है लास्ट 3 ईयर्स में तो 20%, और TTM बेसिस 19% सेल्स ग्रोथ है। तो काफ़ी मतलब अच्छा खासा, मतलब आप देखो कि सेल्स भी ग्रो कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो कर रही है और उसी आधार पे शेयर भी ग्रो कर रहा है। तो आगे हम लोग चार्ट्स पे देखेंगे कैसा लग रहा है आगे। रिजर्व्स भी बढ़िया है कंपनी की और सब पैरामीटर्स अच्छे हैं एकदम। ये ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अब देखो 710 करोड़ से 4,193 करोड़ पे आ गई है ऑलरेडी कंपनी। तो सभी पैरामीटर्स अच्छे हैं एकदम। और प्रोमोटर्स का स्टेक 52.3% है, FII इसका 17% है जो कि पिछले हिसाब से घटा है पिछले मार्च के हिसाब से। और एट द सेम टाइम DII इसका बढ़ भी गया उतना ही, उसी के आसपास बढ़ भी चुका है। तो ऑल इज़ गुड विद द कंपनी एज फार एज आई थिंक। अब कंपनी में आप मैं क्या देख रहा हूँ अभी आने वाले टाइम में, क्यों इसमें मुझे ये लग रहा है कि ये ग्रो करेगी कंपनी, तो इसका मेजर फैक्टर मुझे मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी क्रूड ऑयल का प्राइसेस काफ़ी ड्रॉप हो गया है। क्रूड ऑयल का चार्ट अपने देखते हैं, क्रूड ऑयल का प्राइसेस काफ़ी ड्रॉप हो गया है हाई से। अभी देखो आप कितना, इनका मेन रॉ मटेरियल क्रूड ही रहता है ना पेंट में, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है इनके मार्जिन्स में।
तो अब टॉप हाइज जो बनाई थी क्रूड ने, तो उससे आज की डेट में क्रूड 45% डिप हो गया है। तो ये मेन रॉ मटेरियल इनका, तो इतना डिप अगर इस क्रूड ऑयल में आता है तो इनको मार्जिन्स में काफ़ी सपोर्ट मिलता है ना, क्योंकि ये मेन रॉ मटेरियल इनका। तो और सेकंड सेकंड हो गया कि अभी सामने जो है ना दिवाली सीजन एंड ऑल अप्रोच है, अप्रोचिंग सीजन टाइम, सीजन टाइम इज अप्रोचिंग, तो उस हिसाब से काफ़ी ग्रोथ का पोटेंशियल अच्छा है। देखिए एक मतलब पहली बात होगा कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी इसका बढ़ने का पूरा चांसेस है, क्योंकि मेन रॉ मटेरियल इसका क्रूड है, तो वो नीचे के लेवल्स पे चल रहा है। और दूसरा हो गया कि इसमें क्रूड के अलावा अब सामने सीजन रहेगा, तो सीजन सीजन टाइम रहेगा तो इसमें सेल्स तो ग्रो करेंगी करेंगी, क्योंकि मार्केट लीडरशिप है इनकी। और दिवाली सीज़न में तो पेंट का और बाकी सारे जो मेजरली पेंट का तो बिज़नेस एकदम फ्लरिश करता ही है, ये ट्रैक रिकॉर्ड है ऑलरेडी, सभी जानते हैं दिवाली में सारे जो पेंटिंग और के सारे घरों में खर्चा होता ही है, करते हैं लोग, तो उस हिसाब से। और पेंट का कंजम्पशन डे बाई डे इंडिया में भी बढ़ रहा है, तो उस सेंस में ये अभी सीजन टाइम है सामने। और इसी हिसाब से अगर इसकी जो हम टेक्निकल चार्ट अगर डिस्कस करें, तो आप देखो ये शेयर जो है ना, ये करीबन 2012 से इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेते हुए चल रहा है, एकदम एकदम स्मूथली चले जा रहा है, एकदम काफ़ी मतलब इस ट्रेंड लाइन को इसने रेस्पेक्ट किया है बारी बारी। आप देखो यहाँ पे जैसे एक बार यहाँ पे, फिर सेकेंड यहाँ पे, फिर थर्ड इसके आसपास यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब लगातार इस ट्रेंड लाइन को इसने सपोर्ट किया, और ये लेटेस्ट यहाँ पे, तो ये बार बार ही इस पे आके सपोर्ट लेता है ना, इसी से इसकी स्ट्रेंथ पता चलती है कि कंपनी की शेयर प्राइस की क्या स्ट्रेंथ है। तो और इसमें आगे जो मुझे लग रहा है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या पोटेंशियल जो मुझे लग रहा है अभी इसमें। यहाँ पे इस लेवल्स पे आकर के इसने काफ़ी कंसोलिडेट किया हुआ है, इस लेवल पे आप समझ लो कि ये यहाँ पे इस लेवल पे जो है ना, इस रेंज में ये करीबन 2550 से लेकर के और अभी तक इसका लाइफ टाइम हाई जो है 3570 तक, इस रेंज में इसने काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट किया है। तो अभी जो अगर हम लोग इसका ये देखते हैं, इस रेंज में कब से है, ये एक पीरियड इसका ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे 818 दिन हो चुके हैं, तो ये करीबन 2 साल से ऊपर इसी रेंज में अटका हुआ शेयर। तो अब यहाँ पे जो मुझे सबसे बढ़िया एक चीज़ लग रही है कि इतना कंसोलिडेशन के बाद में ना, यहाँ पे ये जो चैनल में जो शेयर है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि यहाँ से ये ब्रेकआउट दे सकता है अब इस जो लाइफ टाइम हाई से। और जब ये ब्रेकआउट देगा ना, तो उसके बाद में इसका लेवल्स जो है, ये इसका टारगेट बनता है 5042, ऑलमोस्ट 5000। तो प्रेजेंट प्राइस जो है 3362 से, या फिर 3400 डाउन फिगर भी मानते हैं, यहाँ से इसका पोटेंशियल गेन आता है 50% का। तो ये मुझे एक बढ़िया, इतनी सॉलिड कंपनी और इतना बढ़िया एक मुझे इसमें पोटेंशियल दिख रहा है 50% का। तो इसमें मुझे मुझे नहीं लगता कि इसमें जो कि क्योंकि मार्केट भी अब रैली लेने के, मतलब मार्केट भी अब ये कर रहा है कि निफ्टी भी लाइफ टाइम हाई पे ऑलरेडी आ चुकी है और सस्टेन भी कर रही है पिछले 2 दिनों से। तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ये, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी है और इसमें सेफ्टी इन द सेंस कि भाई लार्ज कैप कंपनी तो ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं रहते हैं, और पोटेंशियल 50% तक का पोटेंशियल इसमें चार्ट्स के बेसिस पे भी आ रहा है और फंडामेंटल्स भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं।
तो मैं इस कंपनी में फुल्ली मतलब मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ और मैं और भी कुछ शेयर्स खरीदने के प्लान में हूँ। तो आप अपने हिसाब से समझ करके इसको अपने एनालिस्ट से डिस्कस करके ही आप कोई भी बाइंग या सेलिंग आप करिएगा शेयर में। मेरा पर्पस सिर्फ आपको सिखाने का है, तो आप अपने हिसाब से खरीदेगा। और मेरा पिछला वीडियो जो कर्नाटका बैंक पे जो वीडियो बनाया था वो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें काफ़ी अच्छी एक रैली निकली है, तो आगे भी उसमें पोटेंशियल है। वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।